करोना ने कहर बरपाया हुआ है और करोना पॉजिटिव होने से डर लगता है। ये डर जायज़ भी है, लेकिन करोना आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। लोगों को तो करोना की वैक्सीन से भी डर लगता है, लेकिन डर के आगे जीत है, क्योंकि अगर दो करोना पॉजिटिव एक साथ क्वारंटाइन हो जाएं, एक साथ आइसोलेट कर लें अपने आप को, तो वहाँ एक बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है। हैरान हो गए ना आप? दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूँ, एक गुजारिश भी करती हूँ, आप पूरी वीडियो देखिएगा। जो बात मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, शेयर करना चाह रही हूँ, उसको आप बखूबी समझ पाएंगे और मेरे कंटेंट पे आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि करोना का जिस वायरस ने इतना भूकंप लाया हुआ है देश दुनिया में, लोगों की ज़िंदगी हराम कर रखी है, वो किसी की ज़िंदगी में चमत्कार कैसे कर सकता है? शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन एक शख्स के साथ ऐसे हुआ है। ये शख्स 55 साल का है और जब इसको वैक्सीनेशन दिया गया, उसके दूसरे ही दिन इसकी ज़िंदगी में चमत्कार हो गया। किसी एक्सीडेंट में 5 साल पहले इसके स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम आ गई थी, इसकी ज़ुबान भी ठीक से नहीं चलती थी और शरीर के बहुत सारे जो पार्ट्स हैं वो काम नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इसको 4 जनवरी को कोरोना की शॉट दी गई, इसकी ज़ुबान भी चलने लग गई, ये बोलने लगा और इसके बहुत सारे अंगों ने काम करना शुरू कर दिया। इसके परिवार के लोग ये देख करके दंग रह गए कि वैक्सीन लगते ही इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया। दोस्तों, ये मामला झारखंड के बोकारो का है, जहाँ वैक्सीनेशन के बाद ये घटना डॉक्टरों के लिए भी काफ़ी चौंकाने वाली है। जिस शख्स को बचाने के लिए, कोरोना से बचाने के लिए कोविशील्ड का टीका लगा था, उसकी उम्र 55 साल है और ये जो बदलाव हुआ है, इसने इसकी ज़िंदगी बदल दी है। 55 साल के दुलारचंद मुंडा इस समय बहुत खुश हैं, क्योंकि वो बोल पा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा वो काम कर पा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वो ऑलमोस्ट बेडिड थे। इलाज के बाद लगातार वो डिप्रेशन में जा रहे थे, क्योंकि उनका शरीर डे बाई डे बेकार हो रहा था, आवाज़ भी लड़खड़ा रही थी, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो भी कहीं खो रहा था और उनके कई अंग भी काम नहीं कर रहे थे। और कोरोना मुहिम के दौरान जब उनको वैक्सीन दी गई, तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स का दी एंड हो गया। उनके शरीर में नई जान आ गई, उनके कई अंगों ने काम करना शुरू कर दिया। मैं आपको बताऊं कि उनको 4 जनवरी को उनके घर में जा करके वैक्सीन दी गई थी और इस वैक्सीन ने उनके बेजान शरीर को जानदार बना दिया और ये इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि दुनिया में कहीं भी इस वैक्सीन का इस तरीके का साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला। डॉक्टर्स भी इसे शोध का विषय बता रहे हैं। अब मैं आती हूँ एक ऑस्ट्रेलिया की घटना पे। ऑस्ट्रेलिया में एक लड़की कोरोना पॉजिटिव हो जाती है और टिंडर जो डेटिंग ऐप है उस पर वो चैटर पटर करती है, वहाँ उसको एक कोरोना पॉजिटिव लड़के से दोस्ती हो जाती है। वो उसे घंटों बातें करती रहती है और फिर अचानक वो ये सोचती है कि वो भी कोरोना पॉजिटिव है और वो लड़की भी कोरोना पॉजिटिव है, तो क्यों ना वो दोनों एक साथ एक घर में आइसोलेट हो जाएं। और लड़का उसका ये प्रपोज़ल सुन के पहले तो हैरान होता है, लेकिन बाद में उसे लगा कि इसमें कोई बुराई नहीं है और वो एक ही घर में आइसोलेट हो गए। आपको मैं बताऊं कि पिछले 2 सालों में कोरोना ने क्या क्या नहीं किया, उस लाइफ की कल्पना नहीं किसी ने की थी जिस लाइफ को लोगों ने कोरोना के दौरान जिया। कई घर बर्बाद हो गए, कईयों की नौकरी चली गई, कईयों ने इस को देखते हुए अपनी ज़िंदगियां ख़त्म कर ली। लेकिन अब देखिए, कोरोना ने 2 लोगों का घर बसा दिया। हालांकि अभी इनका जो रिलेशनशिप है ऑफिशियल नहीं हुई है, लेकिन वो वक्त भी आ जाएगा। दोनों एक घर में आइसोलेटेड हैं, लेकिन वे ऑफिशियल
होने के लिए भी सोच रहे हैं। ये जो लड़की है इसका नाम सारा है, इसने सोशल मीडिया पे अपना एक वीडियो शेयर किया है और उसने बताया कि वो अपने कोरोना पॉजिटिव जो डेटिंग पार्टनर हैं उसके साथ बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं। सारे एक्सपीरियंस उसने शेयर किए हैं। फ़िलहाल वो कोरोना काल को एंजॉय कर रही है। आप ज़रूर हैरान हो रहे होंगे कि कोरोना काल को कोई कैसे एंजॉय कर सकता है। सारा इस पीरियड को एंजॉय कर रही है और वहीं बिहार झारखंड के दुलारचंद जो हैं उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कोरोना से बचने के लिए जो कोविशील्ड वैक्सीनेशन है उसने कमाल का साइड इफ़ेक्ट दिखाया। तो दोस्तों, मैंने जो आपसे बात की है उसका मतलब ये नहीं है कि आप कोरोना को हल्के में लें। और इस समय तो एक नया वेरिएंट सबके बीच में घूम रहा है, उससे बचने की ज़रूरत है, कोरोना से अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको मेरा ये कंटेंट कैसा लगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो आप अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, एक लाइक तो बनता है। फिर मिलती हूँ आपके साथ किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, कोरोना के प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।